भदोही के दुर्गागंज थाना क्षेत्र में झूठी शान के लिए एक पिता ने अपनी 27 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पिता फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। हत्या के 3 महीने बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पिता ने बताया कि उसे अपनी बेटी के हत्या का कोई पछतावा नहीं है। उसकी बेटी किसी दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी और इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। कुछ बात विवाद नहीं थे, वो बच्चलन थे, इसके लिए नहीं थे। किससे संबंध था उसका? पता नहीं, उसके यहाँ किसी संबंध था दूसरे से, कई लोगों से संबंध था उसका, एक जन से नहीं था। कहाँ आपने बुलाया उसको? वहीं घर पे थे। मान सम्मान के लिए तो जान से मार दिया, तो क्या करते उसका? उसका पैर था तो चली जाती ना उसके साथ, उसके साथ ही रहती। तुम छोड़ देते हो, आप उसको छोड़ देते हैं? किसको छोड़ देते? लड़की को। लड़की को छोड़ा ही था ना, वो क्यों रही यहाँ? मारने की जरूरत है, चली गई होती। वहीं पुलिस ने बताया कि 17 मई 2019 को एक 28 साल की युवती की लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तभी शक की सुई युवती के पिता पर गई जो कि मुंबई में रहता था। मामला क्या इसमें निकल गया है? देखिए, ये दिनांक 17 मई को एक मर्डर हो गया था एक लेडी का, और फिर उसका जब खुलासा हुआ तो उसमें पता चला कि मर्डर उसके फादर ने ही किया है, पर मर्डर करके इसका फादर भाग गया था, ये मुंबई में रहता है। तो ये कल फिर इसका जब मूवमेंट हुआ तो ये फिर पकड़ा गया कल शाम को, तो उसे पूरा खुलासा हो गया और उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने ही मर्डर किया अपनी बेटी का, ये आमिर किलिंग का मैटर है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मृतक महिला की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे हैं, क्योंकि किसी कारण से मृतक का उसके पति से पटती नहीं थी। इस कारण से मृतका अपने ससुराल में रहती थी और उसका किसी दूसरे युवक से संबंध था। हत्या के लिए पिता ने बेटी को जंघई स्टेशन पर बुलाया था। बेटी का नाम रुचि था, उसकी शादी हो गई थी और वो करीब 27 साल की थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है, 7 साल और 5 साल का। पर उसका अपने पति से नहीं पटती थी, तो उसका एक अफेयर भी चलता था एक अन्य लड़के से, और वो अपने ससुराल में रह के मायके में रहती थी। इसके फादर को ये बात पसंद नहीं थी, ये कहता था कि तुम ससुराल जा कर के ही रहो, वो अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी। इसलिए इसने पूरा प्लान किया, और ये बढ़ई का काम करता है, फिल्मों के जैसे बनते हैं, उसी के तहत पहले कलकत्ता गया था, वहाँ से प्लान बनाकर आया इलाहाबाद होते हुए जंघई, और अपने स्टेशन जंघई स्टेशन में भी अपनी बेटी को बुलाया था। तो जब इसकी बेटी इससे मिलने आई थी तो उसे डाउट था कि मेरा फादर मेरे साथ कुछ कर सकता है, तो उसने अपने लवर्स को लगाया फ़ोन और ये कहा उससे कि तुम फ़ोन बंद मत करना, तुम सुनते रहना क्या मेरा फादर कहता है। और फ़ोन ऑन ही था, फ़ोन ऑन रहते ही उसके फादर ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया और उसी से इस घटना का खुलासा भी हो गया था। तो इस तरह से पता चल गया था तभी कि जो मर्डर करने वाला है वो अकेला इसका फादर ही है, लेकिन ये उस समय भाग गया था। पुलिस को उलझाने के लिए हत्यारे पिता ने एक प्लान बनाया था, जिसके तहत वो कोलकाता से आया, जंघई रेलवे स्टेशन पहुंचा और अपनी बेटी को स्टेशन पर बुलाकर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन बेटी को पहले ही शक था कि उसके पिता उसके साथ कुछ गलत कर सकता है, इसलिए उसने अपने प्रेमी को फोन लगाया हुआ था और इस दौरान उसके साथ की गई पूरी घटनाक्रम को उसका प्रेमी सुन रहा था और कॉल रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।